भारतीय जनता पार्टी ने इलाहाबाद संसदीय सीट से नीरज त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया है। नीरज त्रिपाठी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी के पुत्र और इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपर महाधिवक्ता है। बुधवार को प्रत्याशियों की घोषणा होने पर बधाई देने वालों की भीड़ लग गई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में प्रदेश सरकार के अपर महाधिवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज त्रिपाठी को इलाहाबाद लोकसभा संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित किए जाने पर हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने हर्ष प्रकट करते हुए खुशी जाहिर की है। अधिवक्ताओं ने कहा कि देश की आजादी के आंदोलन में अधिवक्ताओं की अग्रणी भूमिका रही है, ऐसे में एक अधिवक्ता को प्रत्याशी बनाया जाना गौरव का विषय है। साथ ही अधिवक्ताओं ने शीर्ष नेताओं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह को बधाई देते हुए आभार जताया है। अधिवक्ताओं ने भारी मतों से नीरज त्रिपाठी की अग्रिम जीत की शुभकामनाएं दी हैं। जो विकास की गंगा बह रही है वो आगे भी बहती रहेगी। हम 2047 का मोदी जी रोड मैप लेके चल रहे हैं और हम उसी पर अपना आगे कार्य होता रहेगा और भारतीय जनता पार्टी की निश्चित है जीत, सुनिश्चित है। जैसा कि नारा है, इस बार 400 पार, 100% इस बार 400 पार होगा। क्योंकि एक बैकग्राउंड रहा है आपकी फैमिली का जी, बाबूजी का बहुत बड़ा बैकग्राउंड रहा है, बाबूजी यहाँ से भी रहे हैं और गवर्नर भी रहे जी, तो क्या मानेंगे? बाबूजी जो लेगेसी छोड़ के गए हैं, मैं उस लेगेसी का पालन करूंगा और अपनी तरफ से मैं भरसक प्रयास करूंगा कि उनकी छवि को कहीं से कोई भी दाग न लगे और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलूं। क्या मुद्दे रहेंगे, क्या इश्यूज रहेंगे? देखिए, इलाहाबाद को अगर हम ले लें तो विकास बहुत हुआ है यहाँ पर। छोटे मोटे कुछ मुद्दे हैं जिनका कि निदान आवश्यक है और वो होंगे। एक जो काफी दिन से चला आ रहा है यहाँ के इंडस्ट्रियल एरिया का, उस पर भी मैं कोशिश करूंगा कि अगर जनता ने मुझ पर अपना प्रेम बरसाया तो मैं जरूर कोशिश करूंगा कि उसका निदान भी हो। किसको आप चैलेंज मान रहे हैं? क्योंकि अगर कांग्रेस की डिसाइड नहीं जा रही है, मैं किसी को चैलेंज नहीं मान रहा। हम विकास पे काम कर रहे हैं, विकास पे चुनाव लड़ेंगे और किसी को चैलेंज नहीं मान रहे। जैसा मैंने पहले भी कहा, हमारे पास एक रोड मैप है और इस गठबंधन के पास तो अभी रोड ही नहीं है, तो मैप की तो बात ही नहीं है। भाजपा लीगल सेल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश की अध्यक्षता में उच्च न्यायालय में हुई बैठक में भाजपा कार्यकारिणी सदस्य मृत्युंजय तिवारी, वीके सिंह रघुवंशी, संजय यादव, सभाजीत सिंह, ईशान, कृष्णजी शुक्ल, बीपी शुक्ल, बाल मुकुंद सिंह, एके मित्र, जेपी राय, प्रदीप द्विवेदी, केडी मालवीय, ब्रिजेश यादव, ब्रिजेश श्रीवास्तव, पवन श्रीवास्तव, मनीष द्विवेदी, सुमित केसरवानी, अशोक राय, सीपी गुप्ता, आरसी वर्मा, आरसी शुक्ल आदि शामिल रहे। इलाहाबाद संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी नीरज त्रिपाठी की पत्नी कविता त्रिपाठी भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री भी है। नीरज त्रिपाठी वर्तमान में इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपर महाधिवक्ता है। उनकी गिनती बेदाग एवं लोकप्रिय अधिवक्ताओं में होती है। केसरीनाथ त्रिपाठी ने अपने जिंदा रहते कभी बेटे को राजनीति में नहीं भेजा। वो हमेशा कहते थे कि राजनीति को व्यापार नहीं बनाना चाहिए। वो परिवारवाद के खिलाफ थे। उन्होंने अंतिम समय में कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर सही व्यक्ति का चुनाव करने का संकल्प दिलाया था।